एक और हमने गठबंधन बनते उत्तर प्रदेश में देखा, पल्लवी पटेल के साथ असदुद्दीन ओवैसी नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीडीएम नाम की गठबंधन का ऐलान किया। मगर अब सुनने में आ रहा पंकज जी कि ओवैसी साहब ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रचार जरूर करेंगे। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, जैसा हमने कहा कि शुरुआत में खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जब 1-1.5 महीने पहले बात हुई कि भाई बिहार में आप उम्मीदवार उतार रहे हैं, वहां उन्होंने 4 उम्मीदवार, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो क्या यूपी में लोकसभा की जहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वो 8-10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे? क्योंकि पिछले जो लोकल बॉडी के मेयर के चुनाव हुए थे, उसमें देखिए मेरठ में उनके उम्मीदवार ने बहुत अच्छा किया और एक दो जगहों पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लोकल बॉडी में कॉर्पोरेटर के चुनाव में भी, मतलब जिसको वार्ड मेंबर कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, उन सब में उनकी पार्टी के कई लोग जीते भी, तो ऐसा लग रहा था कि वो उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा वहां कोई बहुत ज्यादा बनता नहीं, हम जीत नहीं रहे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अचानक से पल्ली पटेल के साथ आ गए और यहाँ पीडीएम का मोर्चा बन गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद चले गए अंसारी परिवार से मिलने के लिए, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद। फिर वो हैदराबाद जो गए, वो हैदराबाद में ही है, वहां से लौट के उनका रहना नहीं। इस बीच में जब 7 टिकट की घोषणा हुई पीडीएम की, पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चा की तरफ से, जिसमें पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी के, तो हमने बात की तो पता लगा इसमें AIMIM का कोई उम्मीदवार नहीं है। फिर बाद में हमें ये जानकारी दी गई कि भाई AIMIM के जो उम्मीदवार होंगे वो पीडीएम के बैनर तले पल्लवी पटेल की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा भाई AIMIM पार्टी ऑलरेडी है और आपकी पार्टी से उनके अधिक सांसद विधायक है, तो इस पार्टी के सिंबल पे क्यों चुनाव लड़ेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। साफ है, बाद में जानकारी मिली, जब पता किया तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो यहाँ लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो लोग, उनको लगता है कि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बाईपोलर कंटेस्ट हुआ है, कुछ जगहों पर बीएसपी के उम्मीदवार भी हैं, उनमें उनके पास बहुत कुछ बचता नहीं है। 2 राउंड का ऑलरेडी नामांकन का काम खत्म हो चुका है, 3रे राउंड के नामांकन की प्रक्रिया जो सोमवार से शुरू हो गई, इस हफ्ते के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। पश्चिम में मुस्लिम बहुल इलाका है और फिर जाकर चले जाए तो उधर गाजीपुर साहिब में मुस्लिम बहुल इलाका है, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए उनके पास बचता क्या है, कोई विकल्प ही नहीं बचता। तो AIMM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है, अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या ओवैसी यूपी आएंगे, इस बाबत में बताया गया कि ओवैसी 1-2 जनसभाएं कर सकते हैं। मुझे एक तारीख यानी डेट भी बताई गई है कि 25 तारीख को वाराणसी में वो एक जनसभा पीडीएम के तहत कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वो एक विचारधारा के और पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी को सूट करता है कि सबसे बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री के चेहरे के खिलाफ वो वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो लड़वाएंगे। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी यूपी में एक अलग रोल में होगी। बिल्कुल, अब उनकी जनसभाओं का क्या असर होगा ये भी देखने वाला होगा। मगर एक बात तो साफ हो गई कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है।